हरे कृष्ण। आज हम अभी ये पहले अध्याय के पहले स्कंध के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। ओम अज्ञातिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का यह श्लोक है, अतः पुंभि द्विज श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशः स्वनुष्ठिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः पुंभि द्विज श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः पुंभि द्विज श्रेष्ठः वर्ण आश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। कोई पढ़ना चाहेगा, किसी के पास है तो ठीक है। मेरे स्पेक्स चलेंगे, ठीक है। आ जाइए आ जाइए, तब तक के कोई और एक बोल। अतः पुंभि, अतः पुंभि द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। और कोई दोहराना चाहेगा? माता जी, अतः पुंभि द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिः हरितोषणम्। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें से कोई अतः पुंभि द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। माताजी, अतः पुंभि द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः पुंभि द्विज श्रेष्ठा
वर्णाश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। हरे कृष्णा। अब सिर्फ आप ही रह गए। हरे कृष्णा। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? ऑनलाइन भक्तों में से कोई भी? यस हरे कृष्णा। अतः पुंबीर द्विजश्रेष्ठा, अतः पुंबीर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः, वर्णाश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य, स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्, संसिद्धिर हरितोषणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसका अभी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। अतः हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य, सारे विश्व में मानव समाज चार वर्णों तथा चार आश्रमों में विभक्त है। चार वर्ण है बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ग अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के चार आश्रम भी हैं, उनके नाम हैं विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। मानव समाज एक नीचे ऊपर हो अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग को दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग है, युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है। किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.13 में भी हुई है। श्रील प्रभुपाद की। तो आज का यह श्लोक यदि हम देखा जाए तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए डिस्कशन है। उसको यदि मैं समराइज करूं तो आज हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ ये हैं कि सबसे पहले हमारे मन में भगवान को देखने के लिए उत्सुकता कितनी है। हम इसी श्लोक के चर्चा के दरमियान एक ध्रुव महाराज का और प्रह्लाद महाराज का थोड़ा सा एग्जाम्पल भी हम देखेंगे कि इस श्लोक से अनुरूप उनकी कथा है। हमें यह भी समझना है कि द्विज श्रेष्ठ, क्योंकि यहाँ पर यह शब्द आया है द्विज श्रेष्ठ, तो यहाँ द्विज श्रेष्ठ का मतलब क्या है, और ये जब कथा कही गई थी वहाँ इतने सारे लोग थे, ब्राह्मण थे, मुनि थे, ऋषि थे, क्षत्रिय थे, तो उन सब के सामने यह वाक्य या यह श्लोक क्यों आया है? जैसा प्रभुपाद जी बोल रहे विभागशः वर्णाश्रम, तो
तो ये विभागशः वर्णाश्रम का तात्पर्य क्या है, और जो कि आज हम देखते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी में कैसी समस्या हो चुकी है, और उसके परे जाने के लिए संसिद्धि हरितोषणम, हमें हरि को सेटिस्फाई करना है। तो यह कैसे प्राप्त होगा, यह सब चीजें आज हम इसमें समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे श्लोक के शब्दशः ट्रांसलेशन से। तो जब हम ये शब्दशः इसको देखेंगे तो कुछ चीजें इसमें इमीडिएटली समझ में आएगी। तो सबसे पहले कहा आता है अतः एव, इसलिए, अतएव। अब तक उन्होंने जो बोला था उसके बाद में आगे अब वो बता रहे हैं। पुंभी ही, पुंभी के मतलब होता है मनुष्यों के द्वारा, बाय ह्यूमंस। द्विज श्रेष्ठा, अब सामने जो भक्तगण उनके सामने मौजूद थे वे अनेकानेक थे, कई ब्राह्मण थे, कई ऋषि थे, कई मुनि थे। तो वे उन्हें एड्रेस करते हुए क्या बोल रहे हैं, द्विज श्रेष्ठा, मतलब हे द्विजों में श्रेष्ठ। फिर आता है वर्ण आश्रम, चार वर्ण तथा चार आश्रम, जो हमने तात्पर्य में अभी पढ़े। और तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखते हुए कितने आसानी से लिखा है, देखिए। यदि उन्हें बोलना होता तो वे चार वर्ण क्या बोलते थे, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यहाँ तात्पर्य में लिखते हुए उन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, किसी को याद आ रहा है? नहीं, वो तो आपके आश्रम हुए, वर्ण, वर्ण क्या लिखे हैं, बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। तो ब्राह्मण को उन्होंने क्या बोला, बुद्धिमान वर्ग। क्षत्रिय को क्या बोला उन्होंने, योद्धा वर्ग। वैश्य को क्या बोला उन्होंने, उत्पादक वर्ग। और शूद्रों को उन्होंने बोला श्रमिक वर्ग। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये शब्दों का इस्तेमाल प्रभुपाद जी के द्वारा आज की परिस्थिति के अनुसार है। क्योंकि जब 1960s और 70s में प्रभुपाद जी ये सब चर्चा कर रहे थे, ये सब लिख रहे थे, तो उस जमाने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद कार्ल मार्क्स की थियरी, क्लासलेस सोसाइटी एंड क्लास सोसाइटी, इस पर काफी चर्चाएं होती थी। तो उस अनुरूप कि सद्य स्थिति के अनुरूप इस ज्ञान को यदि मुझे समझाना है तो कैसे समझाया जा सकता है, तो प्रभुपाद जी ने ये सिंपल लैंग्वेज में ये बताया है कि चार प्रकार के लोग होते हैं, बुद्धिमान, दूसरे योद्धा, तीसरे जो उत्पादन करते हैं या बिजनेस करते हैं, और चौथे जो श्रम करते हैं। और यहाँ पर जानने लायक यह चीज है, जानने के लिए महत्वपूर्ण चीज यह है कि यहाँ पर कोई भी जन्म से ये नहीं होता। क्या कोई जन्म से बोल सकता है मैं योद्धा बनूंगा, मैं योद्धा का पुत्र हूं, मैं योद्धा ही बनूंगा? नहीं, आप अग्निपथ में सिलेक्ट हो गए तो ही आप देश की रक्षा में जा सकते हो, वरना नहीं। आपसे श्रेष्ठ कोई और योद्धा होगा तो उसका सिलेक्शन। आप ये बोल सकते हो मैं बिजनेसमैन का बेटा हूं, मैं बिजनेस ही करूंगा, जरूरी नहीं है। हमारे सामने कई एग्जाम्पल्स हैं, कई उदाहरण हैं कि बड़े से बड़े उद्योगपति का पुत्र है लेकिन उसे उद्योग करने में यश प्राप्त नहीं हुआ। धीरूभाई अंबानी जी के खुद दो पुत्र थे, एक उद्योग में यशस्वी हो गया, दूसरा उद्योग में अपयश प्राप्त कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यदि उद्योगपति का लड़का हूं तो मैं उद्योग ही करूं। उसी प्रकार यह जरूरी नहीं है कि यदि मैं आज श्रमिक वर्ग में आया हूं, मेरे माँ बाप श्रमिक है, तो मैं श्रमिक ही रहूंगा। अभी आईआईटी जेई के रिजल्ट्स आए हों, हम सब ने देखे होंगे, रिक्शा वाले के लड़के ने जो थैले पे काम करते थे उनका लड़का टॉपर हुआ है, वह भी इंजीनियर बना। रिक्शा वाला आज एक मुख्यमंत्री बनकर आज हमारे ऊपर राज्य करने वाला है, योद्धा वर्ग में चला गया है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जन्म से आपका वर्ग निश्चित हो, आपका वर्ग निश्चित होता है आपके कर्म से और आपके एटीट्यूड से, कि आपका स्वभाव क्या है, आपका भाव क्या है, आपका नेचुरल भाव क्या है। तो इसके अनुरूप ये निर्णय होता है और उस पे से पता चलता है कि मैं कौन से वर्ग में जाऊंगा। उसी प्रकार
जब हम ये वर्णाश्रम यहाँ पर शब्द प्रभुपाद इस श्लोक में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आश्रम शब्द भी आ रहा है। तो जीवन का जो चक्र है वह चार आश्रमों से होता है। अब समझाने के लिए शास्त्रों द्वारा यदि बताया जाता तो चार आश्रम कौन से हैं प्रभु जी, आप बता सकते हैं चार आश्रम कौन से हैं? सबसे पहले क्या होता है? ब्रह्मचारी आश्रम। फिर उसके बाद क्या आता है? वानप्रस्थ। फिर उसके बाद क्या होता है? वानप्रस्थ। और उसके बाद क्या आता है? संन्यास आश्रम। ग्रेट। ऑनलाइन भक्तों से मेरी विनती है, वेटिंग रूम में शायद कोई है तो उन्हें ऐड करते रहिएगा, अभी दो लोग हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के चार आश्रम है, लेकिन यहां पर फिर से देखिए प्रभुपाद जी ने उसे कितना आसान बनाया है। आसान बनाते हुए उन्होंने क्या बोला है, चार आश्रमों के बारे में कौन से चार आश्रमों का उन्होंने उदाहरण दिया है? सबसे पहले विद्यार्थी, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, गृहस्थ, फिर उन्होंने क्या बोला, वानप्रस्थ, और आखिर में क्या बोला, संन्यास नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला, भक्ति। ठीक है, क्योंकि हम वही सुनते हैं ना, हमारी दादी जी क्या बोलती है, अरे भाई तू अभी बच्चा है, तू अभी से क्या हरे कृष्णा कर रहा है, ऐसे कई बार सुना होगा ना आप दोनों ने, तो स्पेशली आपके कई रिश्तेदार भी बोलते होंगे आपको, अरे तू काय माला घून बसला है, आधी काम कर आधी अभ्यास कर, बराबर है। हाँ, म्हातारपणाचं काम आहे। म्हणजे इवन हिस्टोरिकली यदि आप देखा जाए तो हर कोई ये मानता है कि भाई आखिरी में भक्ति करनी है, आखिरी में भगवान का नाम लेना, लेकिन शास्त्र ये नहीं बोलते। शास्त्र में प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, कौमारम, कि भाई आपने बचपन की उम्र से ही भक्ति की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन हमारे जन्म के अनुसार, हमारे उद्देश्यों के अनुसार हमारे अलग अलग कर्तव्य होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या होता है, विद्यार्जन, वेदों का अध्ययन, पढ़ाई। इसीलिए पहला आश्रम कौन सा है, विद्यार्थी आश्रम। और विद्यार्थी आश्रम या जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बारे में ये बोला जाता है कि ब्रह्मचारी आश्रम को यदि हम पढ़ेंगे तो सातवें अध्याय के 12वें चैप्टर के सातवां या आठवां श्लोक है, जहाँ नारद मुनि जी ने इस ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में कई चीजें बताई है। तो जितना मुझे याद आ रहा, सातवां स्कंद, सातवें स्कंद में, हाँ 6 to 10, सातवें स्कंद के 12वें अध्याय का 6 to 10 श्लोक। तो ब्रह्मचारी के उन्होंने दो प्रकार दिए हुए हैं, पहले तीन के नाम मुझे इतनी ठीक से याद नहीं, चौथा था जो हमेशा नैष्टिके, तो पहले तीन के नाम मुझे याद नहीं, लेकिन तीनों के मैं आपको क्लासिफिकेशंस देता हूँ। एक ब्रह्मचारी आश्रम ये होता है कि जो आपकी इनिशिएशन के बाद से ब्रह्म, ब्रह्मचारी का पहले अपन डेफिनेशन लेते हैं कि व्हाट इज ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी का यदि ब्रेकअप करते हैं तो ब्रह्मद व्रता, जो ब्रह्मद व्रत का पालन करता है वह है ब्रह्मचारी। और ब्रह्मद व्रत मतलब सेलिबेसी, ठीक है। तो जो इनिशिएशन के बाद 3 दिन तक रहता है वो पहला होता है। दूसरा अपना ये लेता है, वाव लेता है कि इनिशिएशन के बाद से 1 साल तक। और तीसरा प्रकार होता है जो इनिशिएशन से लेके जब तक विद्यार्जन कंप्लीट नहीं होता है तब तक सिलेबस मेंटेन करता है, और जब कोई गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लेता है तब वो नैष्ठिकी नहीं रहता, और जो जीवन भर सिलेबस मेंटेन करे उसे बोलते हैं नैष्टिकी। ऐसे ये ब्रह्मचारी आश्रम के उन्होंने क्लासिफिकेशंस दिए हैं। तो ब्रह्मचारी आश्रम में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम विद्या का अर्जन करें, विद्या मतलब वेदों का अर्जन। और वेदों का उद्देश्य क्या है, किसी को याद है? हमने ये करीबन 1 महीने पहले प्रभु जी ने एक लेक्चर लिया था तब बताया था, वेदों का उद्देश्य क्या है, किसका ज्ञान, मेरा ईश्वर का ज्ञान। कृष्ण के ज्ञान की प्राप्ति, हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, इसके ज्ञान की प्राप्ति,
ये वेदों का उद्देश्य है। और कृष्ण वेदों के बारे में क्या बोलते हैं, वेदेश्च सर्ववेदेश्चर, ठीक है, सब में श्रेष्ठ। हमने पिछली बार जब चर्चा की थी तो हमने ये वेदों का उगम कैसे हुआ वो भी पढ़ा था, और अभी हमने 2 दिन पहले ही किस चीज का सेलिब्रेशन किया, क्या था, गुरु पूर्णिमा। ये जन्म था, लेकिन किसका जन्म था, व्यासदेव जी का, ठीक है। और व्यासदेव जी ने ये सब हमारे लिए लिख के रखा। हाँ, उनका डिसअपियरेंस नहीं भी था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं वर्णों के आश्रम के बारे में बोला गया। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है। किंतु माइंड या मन जो होता है वो क्या होता है, चंचल होता है और वो काफी जल्दी भटक सकता है। इसीलिए भक्ति में यदि आगे बढ़ना है, यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, सही ज्ञान प्राप्त करना है, तो जरूरी क्या होता है कि हमें मन को वश में रखना है, माइंड कंट्रोल करना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज आर सेंसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग और उसमें हम भटक सकते हैं। इसलिए सेलिब्रेसी को रखना, मेंटेन करना बोला जाता है। और ये जब आप करते हो तो फिर आपकी जो ऊर्जा है वह ज्यादा से ज्यादा मस्तिष्क की तरफ जाती है और आप ज्ञान अच्छे से ग्रहण कर सकते हो। पर इसीलिए विद्यार्थी जीवन में इसका महत्व है। जब हम विद्या अर्जन कर लेते हैं, जब हम कृष्ण को समझ लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है हमारा उद्देश्य क्या है और हम उस उद्देश्य की पूर्ति को सफल करने के लिए साधना कर सकते हैं। ऐसे में यदि कोई चाहे तो विवाह यज्ञ, फिर से क्या है, विवाह संस्कार, विवाह यज्ञ में होने के बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन वहां पर भी उद्देश्य क्या है कि जो मैंने विद्यार्थी जीवन में ज्ञान प्राप्त किया है वह अब मैं अपने स्पाउस को समझाऊं और उसे भी भक्ति में आगे बढ़ाने की सहायता करूं। यह होता है गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य। और यदि आप कृष्ण भावनामृत बच्चे निर्माण करते हो तो कृष्ण भावनामृत आने वाले बच्चों को ठीक से बढ़ाना पढ़ाना और उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाना। यह नहीं है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करूं, ज्यादा से ज्यादा धन कमा कर लाऊं और उन्हें खुश रखूं। यह गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य नहीं होता। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य होता है कि आप अपने परिवार का कृष्ण प्राप्ति के भक्तामृत में आप उन्हें आगे बढ़ाएं और बाकी जो ब्रह्मचारी आश्रम है, जो ब्राह्मण है, उनको जीविका प्राप्त करने का काम नहीं होता है। उनका काम क्या होता है, भगवान के बारे में लोगों को बताना, तो उनका भी भरण पोषण करने में सहायता करें। इसीलिए हम सबका सबसे पहला उद्देश्य क्या है, यहाँ पर तो हमें आना ही है, ऑनलाइन भी हमें मिलना ही है, लेकिन साथ में जो भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उन्हें यथाशक्ति हमें लक्ष्मी की सहायता भी करनी है, सेवा भी करनी है, जो भी हम यथाशक्ति कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम उनकी यथाशक्ति सहायता नहीं कर पाएंगे, तब तक क्या वो पूर्ण रूप से केवल भगवान के बारे में चर्चा कर भगवान के बारे में सबको बता सकते हैं। इसीलिए यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम यदि कुछ कमाते हैं तो उसे भगवत भक्ति में इस्तेमाल करें। और इसके लिए यदि आपको याद होगा तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है गृहस्थों का, हु इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गृहस्था, जो हमें बताया गया, रूप गोस्वामी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि जब उन्होंने अपना मिनिस्टेरियल पोजीशन छोड़ दिया तो उनके पास करीबन एक जहाज भर के धन था। सोचिए, जहाज भर के सोने की मुद्राएं और धन। अब छोड़ दिया तो वो लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश किया कि धन का उपयोग कैसे किया जाए। तो धन का उपयोग कैसे करते हैं, 50% जो धन है
वो आप देते हैं भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए, मतलब ब्राह्मणों में बांटते हैं। 25% ऑफ द वेल्थ आप इस्तेमाल करते हैं आपके सगे संबंधियों के लिए, क्योंकि उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसा नहीं कि भाई आप सब छोड़ के जा रहे हो तो आप उनको ऐसे ही छोड़ दो, नहीं। यदि आप ऐसा करोगे तो आप अपने कर्तव्यों के परे जाओगे, जो गलत है। भगवान श्री कृष्ण कहीं पे नहीं बोलते तू ये छोड़ तू ये मत कर। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि भाई सब सिर्फ मुझे शरण आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और फिर वो ऑर्डर क्या देते हैं हमें, मन मना भव मद भक्तो। हमें कहीं वो बोल रहे कि भाई तू इसका त्याग कर उसका त्याग कर, वो बोल रहे मुझे याद करो, मेरी भक्ति करो, मुझे शरण आओ और मेरी पूजा करो। और कैसे करना है, मांगते हुए वो क्या मांग रहे हैं, सिर्फ कौन सी चीजें मांग रहे हैं वो मांगते हुए, कोई किसी को याद है वो श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तो या। और कुछ मांग रहे हैं वो, बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ पत्र पुष्प फल और पानी, तो ये मतलब पानी चाहिए। तो फिर हमें उससे ज्यादा चीजों के पीछे भाग के कुछ मतलब है। और आखिरी के जो 25% है वो खुद के इमरजेंसी यूज के लिए रखना है। यदि हम इस प्रकार से हमारे धन को जो हम प्राप्त करते हैं इस्तेमाल करेंगे तो धन की भी शुद्धि होती है और हम उस धन के कर्म फल में भी नहीं फंसते। वरना भगवद गीता में हमने क्या पढ़ा है कि आप कोई भी कर्म करोगे तो उसका फल आपको प्राप्त करना ही करना है, बराबर है। आप सुकर्म करो या फिर कर्म दुष्कर्म करो, कोई भी कर्म किया तो उसका फल मिलना ही है। अच्छे कर्मों का भी फल मिलना है, बुरे कर्मों का भी फल मिलना है। अच्छे कर्मों का फल क्या होगा, आप कहाँ जाओगे, ऊपर वाले लोकों में, स्वर्ग लोक जाओगे, बराबर है। और दुष्कर्म क्या करोगे आप, तो कहाँ जाओगे, अधो लोकों में। लेकिन जाना तो है ही, तो यदि जाते ही रहोगे आप तो इसका मतलब क्या होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याज। और ये तो समस्या है, हम तो देख रहे हैं कि आप में से कोई खुश है अपने शरीर से, जो समस्या आ रही है, जैसे अभी आंखों पे चश्मा लगाना पड़ रहा है, धीरे धीरे आंखें कमजोर होगी, फिर पढ़ते नहीं आएगा, दूर का नहीं दिखेगा, हम भगवान को कैसे देखेंगे ये सोच के परेशान। उसपे से एक बहुत, अब क्योंकि हम इस गृहस्थ के इसमें आए हुए हैं आश्रमों में, तो महत्वपूर्ण क्या है कि है आप इन सब चीजों से दूर रहे और सही में इस्तेमाल करें। बरसाना में, बरसाना क्या है, किसी को याद है किसका, राधा रानी का स्थल है, बराबर है। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। बरसाना में आई कैंप होता है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा। तो मेरा खुद का यह अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब मैं सबसे पहली बार वहाँ गया था, नया नया डॉक्टर था और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के द्वारा कैंप हो रहा है, तो मैं चला गया था। मेरी ड्यूटी लगी हुई थी नाइट के लिए, आरएमओ बोल के, सुबह मॉर्निंग में हम टेस्ट करते थे और फिर नाइट आरएमओ का ड्यूटी था। बरसाना में मैंने देखा वहाँ लोग जो आते हैं, जो ब्रजवासी वहाँ ऑपरेशन करने के लिए आते हैं, उनका ऑपरेशन होने के बाद जब जब ऑपरेशन नहीं हुआ होता है मोती बिंदु का, तो उनको दिखाई नहीं देता। जब ऑपरेशन हो जाता है और उन्हें पूछा जाता है कि वो सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे, तो वो क्या बोलते हैं, हमें राधा रानी को देखना। और उन्हें फिर उनकी जब आंखों की पट्टी खोलते हैं ना, तो सामने सबसे पहले राधा रानी दिखाते हैं। और उन लोगों में भक्ति इतनी निष्णात है, रात के वक्त सोते थे वो, तो भी उनके मन से, उनके उनके आजू बाजू से, मतलब ऑटोमेटिकली वो राधे 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 ऐसा बोलते हैं। इतनी उनकी भक्ति श्रेष्ठ है। और वहां सभी ब्रिजवासी ऐसे ही प्राप्त होते हैं। तो आप में से यदि किसी को संधि मिले तो ये आई कैंप में एक बार सेवा करने के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि वह जो अनुभव है ना, वो आपकी दुनिया बदल देता है, जीवन। मेरा तो जीवन उसके बाद बदल, क्योंकि तब तक वरना मेरा भी यही था, मुझे और ज्यादा पढ़ना है, मुझे भी सर्जन बनना है, ये बनना है, वो बनना है। पर जब देखा कि भक्ति कैसे होती है और
कैसे राधा के प्रति उनकी श्रद्धा होती है। तो उसके बाद आप समझते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य जो है ना, वो केवल राधा के आदेशों का पालन करना। रविवार को सनातन धर्म प्रभु जी द्वारा बहुत अच्छा प्रवचन लिया गया, आप लोगों को याद है, उन्होंने 3S के बारे में हमें समझाया, याद है सबको? तो उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था? सेवा। और सेवा हमें कहाँ से मिलती है? राधा रानी से। और हमें उसी भाव से सेवा करनी होती है कि भाई ये हमें दी गई है राधा रानी के द्वारा, और उसके लिए हमें उनके प्रति थैंक यू होना, मतलब एटीट्यूड हमारा थैंक्स का होना चाहिए, धन्यवाद का होना चाहिए। और जब इस एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो अपने आप हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में यह महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। और जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई हो जाती है, आपके ऊपर उनके भरण पोषण का जिम्मेदारी नहीं होती है, तो आपने क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है कि आप भगवान की भक्ति में जाए, अलग अलग जगह पर घूमे, धामों का वास करें, और फिर आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण सदा सदा के लिए सब चीजों से दूर होकर सिर्फ भक्ति करें, सिर्फ भक्ति करें। ऐसा नहीं है कि ओके वहां समस्या हो गई तो मैं फिर से वापस जाऊं। प्रभुपाद जी के बच्चों द्वारा उनको बोला गया था कि भाई हमारा बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप वापिस से आइए और हमारा ये बिजनेस सेट कराइए। प्रभुपाद जी नहीं है, आदर्श एग्जाम्पल सेट किया। उनकी तबीयत खराब थी, उनका जीवन इतना कमजोर था, फिर भी उन्होंने क्या किया? नहीं, मुझे गुरु का आदेश प्राप्त है कि मुझे भक्ति का प्रचार करना है। तो इतनी कमजोर उम्र में भी, वृद्धाश्रम वृद्ध जीवन में भी, वे सभी समस्याओं का सामना करते हुए अमेरिका पहुंचे। जाते हुए उन्हें 2 हार्ट अटैक्स भी आए, फिर भी उन्होंने क्या बोला? मैं अपना सब कुछ कृष्ण भगवान आपके ऊपर समर्पित हूँ, आप जो चाहे वो कीजिए, मैं जो कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा। और उन्होंने चमत्कार कर दिया, क्योंकि भगवान भी देखते हैं। कल जब राधेश्याम प्रभु जी हमें बता रहे थे तो क्या बता, क्या एग्जाम्पल दिया उन्होंने हमें कल लेक्चर में? देर इज अ रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन के बारे में बताया ना राधेश्याम प्रभु जी ने, आप में से सभी लोग थे, ऑनलाइन भक्त भी होंगे, तो ही रेसिप्रोकेट्स, कृष्णा रेसिप्रोकेट्स टूवर्ड्स अवर भक्ति, कि हमारे मन में जितनी भक्ति की भावना होगी उतने कृष्ण भगवान भी हमें रेसिप्रोकेशन देंगे। और यही सही तरीका है आपका जीवन जीने का। और ये सब का उद्देश्य क्या है? तो आप इन सब से भगवान को सेटिस्फाई कर सको। हरि दोष। कई बार यदि हम पिछला श्लोक देखेंगे तो पिछले श्लोक में, मतलब अभी हम जो देख रहे हो 13वां श्लोक देख रहे हैं, 12वें श्लोक में क्या बोला गया था कि भगवान को देखने का किसका क्वालिफिकेशन है, बराबर है? तो उसमें क्या शब्द आया था? पश्यन्ति आत्मनि च आत्मान्यम भक्त्या श्रुत गृहतया। अब किसी को बहुत शिद्दत से ढूंढने की कोशिश करते हो पर आपको पता ही नहीं कि आप क्या ढूंढ रहे हो, तो क्या आपको वो चीज मिलेगी? मिल सकती है? नहीं मिल सकती। हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही हो गया है, हम कुछ तो भी ढूंढने